Attention, welcome to all my friends, students in NSE physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज मैं थर्मोडायनेमिक्स के अगले लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन उसका फॉर्मूला, फिर कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और फिर दो और शॉर्ट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा और फिर एक और फॉर्मूला आपको चाहिए यहाँ पे बीटा इक्वल थ्राइस अल्फा, बीटा इक्वल ट्वाइस अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच का रिलेशन, ये सब देखने आज जा रहे हैं आप। आइए मैं शुरू करता हूँ कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था थर्मल एक्सपेंशन, ये चैप्टर मैंने शुरू किया था ऊष्मीय प्रसार, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिया जाता है तो उसके लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, तीनों में चेंजिंग हो जाता है। लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा उसका नाम लीनियर एक्सपेंशन था, एरिया में जो एक्सपेंशन होगा वो सुपरफिशियल, और वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है उसका नाम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का डेफिनेशन हो चुका था, इसमें बचिया था आपका कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एक लड़के ने, फैज़ ने तो पूरा बना के दिखाया, कहाँ गया जी, ये था पूरा बोर्ड बना के ले आया था वो, सब होमवर्क था ना कल, मैंने कहा था कि सिमिलर है, जैसा लीनियर है वैसा ही सुपरफिशियल है, वैसा वॉल्यूमेट्रिक है, आप खुद से कर सकते हैं। तो सिर्फ एक स्टूडेंट बना के लाया, बाकी लोग यहाँ से छापे होंगे, आप लोगों के पास फुर्सत कहाँ पढ़ने का। तो कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, इसको डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन या 1 फारेनहाइट सीधे बोलिए आप यूनिट से बढ़ा रहे हैं, तब वैसे कंडीशंस में उसके एरिया में हुए फ्रैक्शनल चेंज को, एक्सपेंशन को ही कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहा जाता है। इसमें डिफिनेशन है द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया ड्यू टू हीटिंग अप टू यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, द फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, भिन्नात्मक परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं, क्षेत्रफल में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन सीधे बोलिए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम में हो सकता है। यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस कुछ लोग नहीं समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर मान लो शुरू में 10 था, आप 1 बढ़ाइए कितना हो जाएगा, 11 है तो कितना बढ़ाइए 12, 20 है तो कितना बढ़ाइए, 1 बढ़ाइए, कितना होगा 20, उतना तक ही गर्म कीजिए। तब वैसे कंडीशंस में जितना एरिया बढ़ रहा है उसको ओरिजिनल एरिया से भाग दे दीजिए, इसका नाम होगा फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, इसी का नाम होता है कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक डिनोटेड बाई बीटा, बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा A2 - A1 / A1 ∆t। अब यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा दोस्तों, ऊपर देखिए एरिया है, नीचे भी एरिया है और टेम्परेचर भी है, लेकिन कुछ लोग समझ रहे होंगे वो A2 - A1 है तो वो तो एरिया का यूनिट कट जाना चाहिए, क्या याद रखें कि अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके यूनिट नहीं चेंज होता है। जैसे 10 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 5 मीटर स्क्वायर, क्या यूनिट से चेंज हो जाएगा, 5 आम - 3 केला ये तो नहीं हो सकता है, देखिए 5 मैंगो - 3 मैंगो अब सब माइनस करेंगे तो 2 मैंगो ही ना बोलेंगे, कि 2 बनाना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ना तो जोड़ने से यूनिट चेंज होता है ना ही घटाने से होता है, इसलिए A2 - A1 का जो यूनिट है वो एरिया का ही यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, नीचे फिर A1 है उसका मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन, मीटर स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ नीचे के बचा केल्विन टेम्परेचर का, ऊपर गया तो -1 हो गया तो के इनवर्स हो गया, डायमेंशन M0, L0, T0, K इनवर्स लिख सकते हैं। अब तीसरा वाला आइए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन,
अब आप समझ चुके होंगे व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कीजिए तब उसके आयतन में जो एक्सपेंशन होगा उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे. और वॉल्यूम की बात है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब आता है, ये तीनों तरफ फैलेगा इसलिए कहेंगे इट इज थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन. अब इनमें कितना एक्सपेंशन होगा उसका फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं. ये कल पे ही बेस्ड है. अगर मान लो शुरू में वॉल्यूम V1 है, गर्म करने के बाद V2 हो गया तो फैला कितना V2 माइनस V1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 के और साथ ही साथ डेल्टा T के. जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इनिशियल में जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा. ये V2 माइनस V1 हुआ एक्सपेंशन इन वॉल्यूम. एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम. शुरू में पूंजी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस तरह का मैंने एग्जांपल दिया था. ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, ज़्यादा जानकारी होगी. आप दोनों को मिला दें तो जो कॉमन हो एक लिखिए, जो कॉमन है इसको मल्टीप्लाई कीजिए. यहाँ इक्वल डालते हैं, यहाँ गामा लाते हैं. कॉन्स्टेंट क्या लाते हैं? गामा. गामा का नाम है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. और फिर गामा का फॉर्मूला यहाँ से निकाला जाए तो V2 माइनस V1 बाई V1 डेल्टा T. अब V2 निकाला तो V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T हो गया. अब व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसका डिफिनेशन. तो दोनों के डिफिनेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल लीनियर वॉल्यूमेट्रिक सब में एक ही जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है. आप देख भी सकते हैं, देखिए लाइन लूप और लाइन देखिए मिल रहा है, द फ्रैक्शनल चेंज इन खाली एरिया की जगह पे क्या डाल दिए वॉल्यूम, बाकी इधर भी इसमें सेम होगा. ड्यू टू हीटिंग अप टू यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू हीटिंग अप टू यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सिंबल बदलेगा. यहाँ पे गामा होगा, फॉर्मूला बदलेगा V2 माइनस V1 बाई V1 डेल्टा T. क्या यूनिट बदलेगा? यूनिट नहीं बदलेगा, डायमेंशन भी नहीं. तीनों का एक ही यूनिट डायमेंशन होता है, अल्फा का, बीटा का, गामा का. तीनों का यूनिट केल्विन इनवर्स, डायमेंशन के इनवर्स. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर खाली जगह छोड़ेंगे, बड़े भी हैं आप लोग. यूनिट क्या जाएगा? केल्विन इनवर्स, डायमेंशन वही होगा, एम नॉट एल नॉट डी नॉट के इनवर्स. अब आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं बीटा और अल्फा के बीच. अल्फा क्या था? कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. बीटा कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है बीटा इक्वल ट्वाइस अल्फा. इसको प्रूफ करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले L2 का ये जो फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है, L2 बराबर L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और A2 बराबर A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये दोनों इक्वेशन कल ही आपने पढ़ा था. अब आप इस इक्वेशन सेकेंड में A2 यहाँ पर देखिए. फॉर्मूला प्रूफ, किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ता है. बिना माने कोई फॉर्मूला नहीं फिजिक्स का, सब में कुछ ना कुछ मानना पड़ता है तभी जाके कोई फॉर्मूला प्रूफ हो पाता है. यहाँ पे हम ये मानकर चलेंगे कि जो शेप है ऑब्जेक्ट का वो कैसा है, जस्ट लाइक स्क्वायर है. स्क्वायर स्क्वायर बोला तो वर्ग है. वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर. तो आप A2 को लिख सकते हैं L2 square, A1 को L1 square, A2 को L2 square, A1 को L1 square, बाकी सेम तार में. फिर L2 को क्या पुट करेंगे? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको पुट करेंगे. अब ये दोनों पे स्क्वायर होगा, इस पे भी इस पे भी. इसका जो स्क्वायर था फिर ये मान एक से कम है. देखिए फिर देखिए वही फॉर्मूला लिखे हैं हम, 1 प्लस एक्स होल पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स. ये अल्फा का मान काफी कम होता है, 10 की पावर माइनस 6 के ऑर्डर में होता है, बहुत कम होता है एक से. अल्फा इंटू डेल्टा टी एक से कम है. पावर कितना है? 2. ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये जो 2 जो पावर है ये L1 के लिए भी है, इस पूरे के लिए भी है. L1 स्क्वायर किया, इस पूरे में क्या गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर सेम उतार दिया. L1 स्क्वायर कैंसिल किया तो बचा क्या? 1 प्लस ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी. इधर क्या बचा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. 1 कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल. बचा क्या? ट्वाइस अल्फा. इधर क्या बचा? बीटा. तो बीटा बराबर ट्वाइस अल्फा.
प्रूव्ड हो गए। अब एक क्लास वर्क दिया गया था, होमवर्क दिया, प्रूव दैट गामा इक्वल टू ट्वाइस अल्फा, गामा इक्वल, उसको क्लास वर्क करते, अभी दिखाइए आप लोग, ये घर से दिखाएंगे, क्या करेंगे इसमें, कैसे प्रूव करें, क्या चेंज होगा जानते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे एल टू पी रहेगा ही, अब आपको गामा चाहिए, यहाँ वी टू लीजिएगा, वी टू इक्वल वी वन वन प्लस गामा डेल्टा टी, अब वी टू वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को फिर लिखिएगा एल टू क्यूब, इधर एल वन क्यूब, खाली क्यूब कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क है, कंपल्सरी सबको बना के लाना है, गामा इक्वल थ्राइस अल्फा। अब तीनों के बीच रिलेशन चाहिए, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों के बीच रिलेशन, ये काफ़ी आसानी से निकल जाता है। अभी पढ़ा बीटा इक्वल ट्वाइस अल्फा, गामा इक्वल बच्चो थ्राइस अल्फा, यहाँ टू है यहाँ थ्री है, दोनों को बराबर करना चाहते हैं, इस इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई उल्टा कर दिए, इसमें थ्री से इसमें टू से, इस तरह का काम आप बहुत मैथ में करते हैं, एक्स को या वाई किसी को बराबर करते हैं, तो देखिए दोनों बराबर हो गया सिक्स अल्फा। अब थर्ड एंड फोर्थ से पहले लिखिए सिक्स अल्फा इक्वल थ्री बीटा इक्वल ट्वाइस गामा, सिक्स अल्फा इक्वल थ्राइस बीटा इक्वल ट्वाइस गामा, इस तरह से इन सब के बीच ये रिलेशन आ गया, तीनों के बीच लगभग ये चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन का जो चैप्टर है वो लगभग हमारा फिनिश है, कल से आप न्यूमेरिकल बना के आए, आज पाइए।